नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। Your kind attention please. Air India flight AI402 coming from Kuala Lumpur via Singapore has arrived. Passengers going to Delhi by Air India flight AI402 are requested to proceed to security check. Your kind attention please. Air India flight AI402 coming from Kuala Lumpur via Singapore has arrived. Passengers going to Delhi by Air India flight AI402 are requested to proceed to security check. Passengers arrived from Mumbai by Chennai flight. रामेश्वर जाना है। 3450 दीजिए मैडम। थैंक यू मैडम। कार उस तरफ होगी ना? कार भारी मिलेगी। What's your name? My name is Rohan. यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? पिज्जा खाने जा रहे हैं आंटी। पिज्जा खाने जा रहे हो? ए दाढ़ी, ये पैसेंजर तुम्हारे लिए हैं। मैडम को रामेश्वरम जाना है। क्या हुआ मैडम, ऐसे क्यों देख रही हो? लाइए दीजिए। ओह, बैठिए मैडम, बैठिए। हमारे स्टैंड का ड्राइवर है मैम। देखने में जोकर लगता है लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। जाबे, बहुत तारीफ कर रहा है, मैं देख लूंगा। संभल के जाना। देखिए मैडम, रामेश्वरम वन वे दिखा रहा है। बोलेंगी तो मैं दूसरे वे से आपको मदुरई एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दूंगा। लगता है इसे हिंदी समझ में नहीं आती। मुझे एक सिम कार्ड चाहिए। हाँ, मैं एक दुकान पर रुकता हूँ। आप जाके ले आइए, मैं वेट करता हूँ। जाइए। मुझे एक सिम कार्ड चाहिए था। ठीक है, आईडी प्रूफ। मलेशिया का है। नाम यादिनी, प्लेस ऑफ बर्थ श्रीलंका। सॉरी मैम, कोई इंडियन आईडी प्रूफ है? इंडियन आईडी प्रूफ होगा तभी हम आपको सिम कार्ड दे सकते हैं। सॉरी मैम। मैं मलेशिया सिटीजन हूँ, इसलिए सिम कार्ड नहीं मिलेगा ऐसा कह रही हैं आप। रुकिए, मैं लेके आता हूँ। क्यों जी, जरा पासपोर्ट दीजिए। क्यों जी, ये भी तो तमिलनाडु की ही है। सर, इंडियन आईडी प्रूफ होगा तभी हम सिम कार्ड दे सकते हैं। ओह, ये बात है क्या? वो दो, ये लीजिए, इसे रख लीजिए, इससे तो मिलेगा ना। दीजिए। कितना हुआ जी? 100। अच्छा, तुम्हारा गांव कौन सा है? रामनाथपुरम। क्या तुम भी रामनाथपुरम से आकर बेइज्जती करवा रही हो? मैं भी श्यामगंज से हूँ। चलता हूँ। आइए मैडम। बैठिए मैडम। भैया, आपने मुझ पर भरोसा करके अपना आईडी प्रूफ दिया। मैं इंडिया छोड़कर जब भी चाहूंगी आपको जरूर कुछ दूंगी। ये कौन सी बड़ी बात है मैडम? फौरन जाते समय तक इससे काम चलाइए। दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? कोई मन्नत वन्नत रखी है? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, उधारी की टेंशन है, इसीलिए मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ा के रखी है ताकि मुझे कोई पहचान न सके। कितना उधार होगा तुम पर? अब आपको मैं क्या बताऊं मैडम कितना उधार है। बस इतना समझ लीजिए कि मैं जिंदगी भर टैक्सी चलाऊंगा तो भी भर नहीं पाऊंगा। छोड़िए मैडम, आप वैसे भी रामेश्वरम अच्छे काम के लिए आई हैं। मेरी कहानी सुन के फालतू में टेंशन मत लीजिए। आप आराम से लेट के आराम कीजिए। Yes, madam. मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग कर दी है। One second, मैडम। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। वेलकम। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। लगेज रूम में भिजवा देंगे ना? हाँ, ओके मैडम। दरअसल मुझे एक कैब बुक करवानी थी, ये हो सकता है क्या? आपकी कैब ऑलरेडी आ गई है मैम। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है, आती हूँ। ओके मैम। मदुरई एयरपोर्ट पे जाने के लिए फॉरेनर्स आते हैं क्या? हाँ, आते हैं सर। अगर मुझे कोई सवारी मिली ना तो मैं आपको टिप दूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग मैडम। कुछ देखिए ना मेरे लिए। हाँ। भैया, ये क्या आप मदुरई वापस नहीं गए? नहीं मैडम, सवारी ही नहीं मिली, खाली नहीं जा सकता ना, उसीलिए मैं इनसे बातें कर रहा था। आप तो रामेश्वरम घूमने आई है ना? मैं पूरा रामेश्वरम घुमा दूंगा आपको, जहां जाना हो वहां ले जा सकता हूँ। पैसों के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, जो देंगी वो रख लूंगा। आप बैग मुझे दीजिए। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। चलिए चलिए, आइए मैडम। हाँ बोल भाई। आजकल एयरपोर्ट पर नहीं दिख रहे हो, कहाँ चले गए? अरे भाई मैं यहाँ रामेश्वरम एक फॉरनर सवारी को लेके आया हूँ भाई। मेरे पेट पर लात मार कर कमा रहा है क्या तू? भाई ऐसी बात मत बोलो भाई, मैं कैमरामैन हूँ भाई। तुम्हारी कहानी की वजह से ही मैं आज ड्राइवर बन गया हूँ, फॉरनर कस्टमर के साथ हूँ भाई। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 2 दिन के अंदर अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाल दिए ना तो आपने जो चप्पल पहन रखी उससे मुझे पीटिएगा। तू फिर वापस एयरपोर्ट नहीं आएगा क्या? भाई अगर विश्वास नहीं है तो कस्टमर को फोन देता हूँ, खुद ही बात कर लो। मैडम मैं यहाँ रामेश्वरम में हूँ, आप ही उसे बता दीजिए मैडम। हेलो, अभी आप रामेश्वरम में हैं क्या मैडम? हाँ, कार रामेश्वर ही आई है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैडम मैंने नया कैमरा लिया था, उसे उसने तोड़ दिया और पैसा भी नहीं दे रहा है। बाकी की कहानी उसी से सुन लीजिएगा मैडम। ये लीजिए। आप कैमरामैन हैं? हाँ जी। तो फिर कैमरा क्यों तोड़ा आपने? मैं क्यों कैमरा तोड़ूंगा मैडम, उसी से तो मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। अब मैं एक शादी का वीडियो बनाने वाला कैमरामैन हूँ। अब ये चाहते हैं कि मैं शादी से पहले प्री वेडिंग फिल्म बनाऊँ, यही मेरी मुसीबत की जड़ है, वहीं से ये सब शुरू हुआ। नमस्ते सर। सर एक डुएट गाना लेके आया हूँ सर। ये बात है क्या, कैसा लगा? अरे बाप रे, लेटेस्ट मूवी क्या? हाँ सर, मैं भी ऐसे ही शूट करना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। बताइए शादी कब है? अभी मुहूर्त निकाला नहीं। तेरी शराब का टाइम हो गया और ये शादी करने जा रहा है। उस तरफ क्या देख रहे हैं सर? शूट कैसे करना है यही सोच रहा था। गाना लगाता हूँ, मूवमेंट करो। क्या है रे, तुझे नॉर्मल डांस करने के लिए बोला था, तू कमर क्यों लटका रहा है? तुम इधर आओ जी। जाओ, डर क्यों रही हो, जाओ ना। ये रियल कैमरामैन है। इधर आओ जी, यहाँ ऐसे खड़ी हो जाओ, फिर ऐसे 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 ऐसे। तुम जरा इधर आओ, बदन में थोड़ा लोच होना चाहिए, समझी ना? आंखें फाड़ के क्या देख रहा है, लग रहा है जैसे भूत देख रहा है। इसे देख के डांस करना सीख। इसे पकड़, जब मैं बोलूंगा तो गाना ऑन करना, ठीक है? हाँ हाँ। ऐसे 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 ऐसे। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मल्ली। नाम के हिसाब से तुम एकदम मस्त हो। सर मुझे भी कुछ करने दीजिए ना। हे, जाके पानी लेके आ बे, पागल कहीं का, चल जा। अच्छा दिखने में तुम हिरनी जैसी हो, इस बंदर के पीछे कैसे पड़ गई? मेरे जैसा हैंडसम आदमी तुम्हें नजर नहीं आया क्या? सर पानी। अबे तुझे दिखता नहीं है, मैं सीन समझा रहा हूँ। पानी लेके आया, चल भाग, बाजू में जाके खड़ा हो जा। पानी लेके आया तो क्या तारीफ करूं? ये देख मैं जो बोल रहा हूँ तुम दोनों कैमरामैन जी यहाँ। हाँ, आता हूँ। ये लीजिए पकड़िए, इन्वेस्ट मेरा, काम आपका, मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये बात है क्या सर? सबसे पहले मैं आपका ही वीडियो बनाता हूँ। हाँ। सर क्या सर, आप रंगानाथन के गली में जो दुकान है ना उसके दुकान के ओनर जैसे दिख रहे हैं। सर एक बात बताता हूँ सर, आपका लड़का पूरे एरिया में छा जाएगा, ये सच बात है सर। खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। जल्दी खत्म करना है सर, जल्दी आइए। जब से तेरे से उसकी मंगनी हुई है ना उसी समय से तेरा टाइम खत्म हो गया। आ रहा हूँ, अच्छे से कीजिए। हाँ अच्छे से, अच्छे से। हाँ और करीब आके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ कमर में हाथ डालो। हाँ वाह जी, आप तो मीला की तरह अच्छा नाचती हो और ये बटला जैसे गोबर में पैर मार रहा हो, ये तुम्हारे लायक नहीं है जी। बिरयानी बनाने वाले को लेकर अपने साथ भाग जाओ। आपको बिरयानी बनाने आती है? मैं तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाता हूँ। बनाएंगे बनाएंगे, मुझे इसे दीजिए सर। अरे आपका वीडियो निकालना है। ये बात है क्या? अबे हम लोग खानदानी पगड़ी बांध के बिरयानी बनाते हैं और तू हमारे बर्तन में बिरयानी बनाना चाहता है? तेरी तो। अरे मेरा कैमरा गया। 1 हफ्ते में तुमने मेरे कैमरे के पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हें तो मैं, चल जा। ठीक है दे दूंगा। कितनी देर के बाद अभी आपको हंसते हुए देख रहा हूँ जी, बहुत खुशी हो रही है। यही है क्या वो जगह जो आपने बताई थी? हाँ मैं इसी के बारे में कह रही थी। अच्छा यही है क्या, मुझे नहीं पता था। वैसे ये जगह आप जानती हो, शायद यहाँ ऑफिसर लोग रहते होंगे। चलिए ठीक है अंदर जाके देखते हैं। ये आइए ऑफिस है। हाँ। आइए प्लीज हैव अ सीट। बैठिए ना। जी कहिए, क्या मैटर है? 2009 में मई महीने में डिलीवरी टाइम पर अनकॉन्शियस हो गई थी। मैं मुसीबत में थी, तब एक लेडी डॉक्टर मुझे एयरलिफ्ट करके मलेशिया लेकर गई थी। डिलीवरी के टाइम पर बच्चा बच गया था, ऐसा मुझे रिसेंट पता चला। मैं उसी को ढूंढने आई हूँ। आप 9 साल के बाद आई हैं और वो छोटा सा बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, स्कूल भी जाता होगा। सर, वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, अपने बच्चे को ढूंढने के लिए उसकी माँ आई हुई है। बच्चा कहाँ है बस इतना बता दीजिए, हम लोग जाके ढूंढ लेंगे उसको। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से पुलिस डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यहाँ रुके लोगों के बारे में सारी डिटेल्स पता होती है। मैं ऐसे कोई जानकारी आपको दे नहीं सकता, आपको लिखकर पुलिस डिपार्टमेंट को देना ही होगा। आप उनसे पूछताछ करेंगे तो वो आपको सब कुछ बता देंगे। देखिए, आप जैसे कह रहे, मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगी, लेकिन अभी मैं क्या अपने बच्चे को देख सकती हूँ? देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। पिछले साल के बाद इस साल बहुत सारे लोगों को चेन्नई और त्रिची कैंप में भेजा गया है। आप जैसा कह रही हैं, छोटी उम्र का कोई बच्चा यहाँ पर नहीं है। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर ही दीजिए। भैया पुलिस स्टेशन जाकर आएंगे? ओके, थैंक यू सर। अगर आपको कुछ बच्चे के बारे में पता चले तो इन्हें फ़ोन कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इन्फॉर्म करूँगा सर। थैंक यू। दस साल के बाद भी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, देखने में वैसा ही लग रहा है। इस जगह का माहौल ही ऐसा है, इस जगह कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। कुछ भी हो, आपको बस आपका बच्चा मिल जाए। चलिए, चल के ढूंढते हैं, आइए। पुलिस स्टेशन कहाँ है ये आप जानते हैं क्या? हेलो, आप इसे पूछ रही हैं? आपकी परेशानी के सामने मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है मैडम, लेकिन आपसे बात करके कुछ पता ही नहीं चलता है। देखिए, मुझे लगता नहीं कि वहाँ से कोई फायदा होने वाला। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो आपको मैं पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ। आइए, चलिए चलिए, आ जाइए। चलिए मैडम। सर, एक कंप्लेन लिखवानी है। बैठिए। हाँ, बताइए क्या कंप्लेन है? 2009 में जब मैं यहाँ आई थी, ओह ठीक है, आप दोनों एक कंप्लेन लिख कर दे दीजिए। आपके पास पेन है क्या? सर, पेन। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी जो इंस्पेक्टर थे उनका ट्रांसफर हो गया है। 3 दिन के बाद दूसरे इंस्पेक्टर आएंगे, वही आपकी कंप्लेन पर काम करेंगे। सर, कैसा केस है वो? सर, एक बच्चा मिसिंग है। मैडम, आप जाइए, 3 दिन के बाद आइए। जाइए। ठीक है, आइए जी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की वजह से कितनी औरतों की नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद भी उन्हें सिजेरियन बताते हैं। अब उस पाप से मुक्ति पाने के लिए मैं काशी रामेश्वरम जाना चाहती हूँ, ताकि मैंने जितने भी पाप किए हैं उन सब के लिए भगवान के सामने प्रायश्चित कर पाऊँ। जब तुम बहुत बीमार थी, तुम्हारे ट्रीटमेंट के वक्त गवर्नमेंट ने बहुत मदद की थी। अच्छी बात यह है कि तुम्हारा बच्चा बच गया। तुम्हारे साथ जो आया था ना, उसने मना किया था बच्चे के बारे में बताने के लिए। अगर मैंने बताया तो तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे बच्चे के बारे में नहीं बताया। मुझे माफ कर देना। ये लीजिए मैडम। हाँ, मैंने सोचा ये खाएगी इसलिए लेके आया, लेकिन ये तो मछलियों को खिला रही है। मैडम, यहाँ कुरमुरे बेचने वाले ने बोला कि अगर तुम्हें अपनी परेशानी सॉल्व करनी है तो सुबह समुद्र में नहाकर 21 कुंड में नहाओ तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो मैंने सोचा ये कर ही डालूं, उसके बाद आराम से अपने गांव चला जाऊंगा। नया इंस्पेक्टर आने के बाद ही मुझे कैंप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तब तक क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं भैया? तब तक जो भी होगा मैं सारा हिसाब एक साथ में कर दूंगी। कैसी बात करती है मैडम, मैं आपके साथ ही हूँ। चाहिए तो मैं जिस होटल में हूँ उसके बगल वाले रूम में आपके। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए मैडम, मुझे क्यों चाहिए होटल में कमरा, मैं तो अपने कार की पार्किंग में ही सो जाता हूँ। मैडम अगर सुबह समुद्र में आप भी नहाएंगी ना तो आपका खोया हुआ बच्चा भी मिल जाएगा। बोलिए तो मैं सुबह आ जाऊँ क्या? अच्छा। आप आएंगी ना? ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाइए। बैग यहाँ रख देंगे क्या? हाँ यहाँ दीजिए। क्या तुम लोग इसे यहीं पे रख के जा रहे हो? सर यहीं पास में समुद्र में नहा के थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक आप इस बैग का ध्यान रखिए ना सर। ठीक है जल्दी आना। ठीक है जल्दी से आते हैं सर। चप्पल यहाँ उतार दीजिए। हाँ यहीं पे निकाल दीजिए। आइए मैडम। यहाँ नहाने के बाद वहाँ मंदिर में जाकर भी नहाना पड़ेगा? हाँ। वो वहाँ 21 कुंड है, वहाँ बाल्टी से पानी लेकर अपने ऊपर डाल लेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अच्छे से 3 बार डुबकी मार लीजिएगा, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरी सारी परेशानी अब दूर हो गई। आप दोनों उस दिन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने आए थे ना? आप कौन? उस दिन पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर थे वही तो है ये। अरे पहचान में ही नहीं आ रहे। बच्चा मिस हो गया ऐसा सुना था, कब मिस हुआ है? 2009 में इन्हें शरणार्थी कैंप में बच्चा पैदा हुआ था, उसे छोड़कर ये मलेशिया चली गई थी, अब उसे ही ले जाने के लिए आई हुई है। अच्छा तुम कौन हो? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, इन्हें मदुरई से लेके आया हूँ। ठीक है, कंप्लेंट देने को किसने कहा? मैं ही बुला के लाया था। हम लोग वहाँ कैंप पर गए थे, उन्होंने कहा कि पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। पूछने की वजह से प्रोसीजर को फॉलो करने को कहा होगा। क्या सर आप ऐसे ही बोल रहे हैं? यह मैं फालतू में घुमा रहे हैं। हाँ, आप लोग दर्शन करके मेरे क्वार्टर पर आ जाओ, मैं कैंप में पूछ कर देखता हूँ। आप मंदिर नहीं आ रहे हैं क्या? मैं सिर्फ विष्णु मंदिर तक ही जाऊँगा, ये मदुरई वाला है, इससे आप थोड़ा डिस्टेंस बनाकर ही रखिए। आप जैसा सोचते हैं ये वैसे नहीं है। आप भगवान के दर्शन करके क्वार्टर में आ जाइए, वहीं नाश्ता करते हैं। यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है लगता है। मैं एक काम करता हूँ, कांस्टेबल को आपके साथ भेजता हूँ, वो लेकर आ जाएगा। ठीक है सर। ओके ये लीजिए सर, अपना बैग ले लो। कांस्टेबल दर्शन के बाद इन्हें मेरे क्वार्टर पर ले आना। ठीक है सर। सर को यहाँ आए 2 महीने ही हुए हैं, आते वक्त बाल के साथ आए थे, लेकिन इनका कुछ खो गया इसलिए चोटी रख के ये भगवान के पैर पड़ने लग गए। एसपी को पसंद नहीं है इसलिए इनका ट्रांसफर हो गया। वो आपसे क्या बोल रहे थे मैडम? आप क्यों यहाँ आए हैं, थोड़ा संभल कर रहिए, यही सब कह रहे थे। पुलिस वाले किसी को भी देखते हैं उसे वो गुंडा ही समझते हैं। वैसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चलिए भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। सर की बीवी चेन्नई में ही एसआई की ड्यूटी करती है। तो फिर पुलिस क्वार्टर में वो अकेले ही रहते हैं क्या? इसीलिए तो सर मेस में खाना खाते हैं। हे ड्राइवर, जाके बगल के होटल में खाना खा के आओ और यहीं वेट करना, ठीक है? हाँ। आओ भाई। नमस्ते सर। दर्शन हो गया क्या? सर जैसा आपने कहा था मैंने इन्हें पूरा मंदिर घुमा दिया। मैं जाऊं सर? हाँ होकर आओ। ठीक है सर। आप अंदर आइए। आइए। आप बैठिए। थैंक यू। क्या खाएंगे आप? कुछ भी चलेगा सर। किस लिए आप 2009 में बच्चे को छोड़कर गईं? आपके हस्बैंड इस समय कहाँ है? बुरा मत मानिएगा, पर्सनल है तो मत कहिएगा। मेरी आंखों के सामने ही उन्हें शूट कर दिया था। उन दिनों मैं प्रेग्नेंट थी और वो मुझे यहाँ रामेश्वर में लेकर आए थे। हेलो। हाँ राघवाचारी। यस सर। आज आप छुट्टी ले लीजिए। ओके सर। मैं कुमार को चार्ज लेने के लिए बोल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। मैं आज ही रिलीफ हो गया। आप कैंप में जाइए, मैं फ़ोन में बात कर लेता हूँ। आप अगर आएंगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं 20 मिनट में पुलिस स्टेशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके कैंप में आता हूँ। ओके। इंस्पेक्टर साहब तो देखने में अच्छे लग रहे हैं जी। हो सकता है वो आपके बच्चे को ढूंढ दे। आप लोगों को देर हो गई क्या? हाँ। हम लोग वहां जाकर डिटेल्स पूछ कर आते हैं। आइए सर, आइए प्लीज बैठिए ना। ये कह रही हैं कि बच्चे को 2009 में छोड़ के चली गई थी। ये कल भी आई थी सर। इनके बाद मैंने सारे रिकॉर्ड चेक किए। 2014 के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो फिर 2014 के पहले का रिकॉर्ड? उन सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करने के लिए चेन्नई के एलिंगम ऑफिस भेजा गया है सर। 2009 में काम करने वाले एओ अभी वो कहाँ हैं? वो डिप्टी डायरेक्टर बनकर चेन्नई में पोस्टेड हैं। कल ही मैंने उनको फोन लगाया था सर। क्या कहा उन्होंने? देखिए मैडम का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था और वो अनकॉन्शियस हो गई थी। इसके बाद इन्हें मदुरई हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। इनका इलाज एक मलेशियन लेडी डॉक्टर ने किया था जो बाद में मलेशिया चली गई थी। तो फिर मेरे बच्चे का क्या? प्री मैच्योर बेबी काफी ज्यादा सीरियस था पर कुछ दिनों के बाद वो रिकवर हो गया था। उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन लेना तो हम क्या करें? एलिंगम ऑफिस में संपर्क कीजिए, नहीं तो श्रीलंका के हाई कमिश्नर से पूछताछ करनी होगी। शायद वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। मैं ड्रेस चेंज करने के बाद आपको ज्वाइन करता हूँ। इसी गाड़ी में चेन्नई चलेंगे। आइए मैडम। मैं हाफ एन आवर में आता हूँ। मेरे लिए आपने वेट किया, इसके लिए थैंक्स। चेन्नई जाने के बाद मुझसे जो भी होगा मैं आपकी मदद करूंगा। मैडम ये लीजिए चाय। मैडम 2 दिनों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। सर आप गुस्सा मत होइएगा। सर अगर कार चला लेंगे तो मैं थोड़ी देर गाड़ी में सो जाता हूँ। आप आगे बैठ जाइए मैडम। ठीक है। आइए 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 आइए। हाँ मैं पीछे सो जाता हूँ। ठीक है, चलते हैं। मैं बस कुछ दिन के ही मेहमान हूँ। ऐसा मत कहो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगी। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे सब पता है। मुझे भरोसा है। आप नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? तुम मेरी बात सुनो, इंडिया जाकर अपने बच्चे को ढूंढकर उसके साथ जियो। तुम कब तक अकेले जियोगी? क्यों, क्या हुआ? लाइफ के बारे में ही सोच रही थी। वो जब जिंदा थे तब श्रीलंका में ही बच्चा पैदा होगा ऐसा सोच रहे थे। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, सब ऊपर वाले का काम है। आओ। नमस्ते सर। देखो मैं तुमसे ये कह रहा था कि एक रूम प्रोवाइड कर दो। ओके सर। मुझे जीप लेने आएगी, मैं जाकर बाद में फोन करता हूँ। चलता हूँ। ठीक है। प्लीज कम मैडम। भैया बोलिए। मैडम कार का भाड़ा कितना हुआ? पहले मदुरई से रामेश्वरम एयरपोर्ट पे ही आपने पे कर दिया था, अभी रामेश्वरम से चेन्नई तक 10,500 हुआ जी। रख लीजिए। मैडम ये तो 20,000 रुपए है। मेरी हिफाजत करने के लिए, और आपको कैमरे के पैसे भी तो भरने हैं ना, तो उसे मेरी तरफ से रख लीजिए। बहुत बहुत थैंक्स मैडम। मेरा बेटा मुझे मिल जाने दो, उसके बाद तुम्हारी सारी उधारी मैं चुका दूंगी। संभाल कर जाना, ठीक है? मैं अपने दिल से कहता हूँ मैडम, आपको आपका बेटा जरूर मिलेगा। मैं अपने कुल देवता से मन्नत मांगूंगा। चलता हूँ जी, चलता हूँ। उस आदमी से मिले क्या? मिलकर आया हूँ सर। हाँ। पैसे देता हूँ बोले हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जीप भेजो, ऐसी आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई थी सर। सर कोलापुर पुलिस स्टेशन याद है ना सर? आप एसआई थे और मैं वहाँ कांस्टेबल था। तब से मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। लीलावती केस में आपने बहुत नाम कमाया था सर। ये स्टाइल हमारे डिपार्टमेंट में किसी को भी शूट नहीं होगी सर। हाँ ये शुरू हो गया। अब ये इंस्पेक्टर भी 1 महीने से ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकता है। जाके पहले अपना मैटर देख। ठीक है सर। सर चाय कॉफी कुछ पियेंगे सर? कहते हो तो ले आओ। ओके सर। सर एसीपी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, ओके सर। क्या है ये? कितना डर्टी है। हेलो। हाँ बोलना ही भूल गया, ड्राइवर को भेज दीजिए, मैं पे कर देता हूँ। मैंने सेटल कर दिया। कितना हुआ? 20,000 दिए। बहुत ज़्यादा है ना? बट उस पर थोड़ा उधार था, अच्छा आदमी था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा दिया। ड्राइवर के ऊपर मेहरबानी। एक्चुअली डॉक्टर मुत्तू मीना ने मेरी जान बचाई थी और मुझे अपना वारिस बना लिया था, इसीलिए तो मेरे पास आज इतना पैसा है सर। बहुत खुशी होती है जब बड़े पैसे वाले से फ्रेंडशिप रखो तो। हॉस्टल कंफर्टेबल है ना? वेरी डर्टी, बहुत गंदे रूम है। आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। ठीक है छोड़िए, मैं दूसरा देख लेता हूँ। ओके ओके। ओह शिट। हेलो। हाँ बोलो। घर आने से पहले तुम स्टेशन क्यों चले गए? चार्ज लेना था इसलिए आना पड़ा। और तुम्हें कैसे पता कि मैं आया हूँ? लेडी कांस्टेबल ने आपको लेडी हॉस्टल के पास देखा, उसी ने बताया। आप वहाँ गए थे ना? घर में आकर सारी बात बताता हूँ, फोन रखो। क्यों जी कॉलेज के सामने किसका इंतजार कर रही हो? बोलो बोलो, कौन है वो आदमी? हाँ बताओ कौन है वो, बताओ जल्दी, नहीं तो मार मार के थोबड़ा बिगाड़ दूंगा तुम्हारा। बताओ जल्दी। अपनी मर्जी है ना? चलो चल के देखता हूँ। बताओ जल्दी। मुझे बेवकूफ समझ रही हो? बताओ कौन है वो? अच्छा तुम तो मल्ली हो ना? हाँ जी। तुम इतना बदल कैसे गई? कैमरामैन सर आपने सही कहा था, इससे शादी मत करो। मैं शादी करके परेशान हो गई हूँ सर। मुझसे परेशान हो गई है? मुझसे परेशान? उस दिन कैमरा तोड़ा था, आज कार तोड़ दूंगा। इज्जत से जाओ यहाँ से। कार मत तोड़, बहुत लफड़ा हो जाएगा यार। सुन मेरी बात। अबे जा, नहीं तो बताता हूँ मैं तेरी तो। ए सुनो, इधर आओ। आया सर, मेरी पहचान की लड़की को हॉस्टल में ठहराया था। ठीक है सर। हॉस्टल सही नहीं है ऐसा वो कह रही। तुम कोई अच्छा सा कोई दूसरा ढूंढ दो। सर आप बोलेंगे तो मैं देखूंगा नहीं क्या? अभी देखता हूँ सर। ठीक है ठीक है, जाओ। फुसफुस करके बात करना शुरू कर दिया, शुरुआत हो गई है। हाय बच्ची। हाय डैडी। मम्मी पापा आए हैं, छोटी और तिलक किया हुआ है। किसे उल्लू बनाने के लिए सब ढोंग कर रहे हो? हाँ तुम कभी नहीं बदलोगी। रामेश्वरम में एक ज्योतिष ने मेरी कुंडली देखकर कहा था, शांति चाहिए तो खामोश रहना चाहिए, ऐसा कहा है। पापा आप कॉमेडियन जैसे दिख रहे हैं, स्कूल में मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। मुझसे पूछ रहे थे किसने बताया, खुद कहते हो दीक्षा लिया है। जितने पाप करने थे कर लिए तुमने, ये सब करने से पाप नहीं धुलते। आपसे तुम्हें नॉनवेज खाने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ दही और चावल ही मिलेगा। बचपन से बच्चे सही ढंग से रहते हैं तो ही अच्छे इंसान बनते हैं। ये सब ढोंग छोड़कर सही ढंग से रहने को बोल अपने पापा को। मैं कांचीपुरम जा रही हूँ 3 दिन के लिए, आके इनसे बात करूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा बोलो, बोला हुआ सब याद आएगा। आज कोर्ट में काम था मैडम, लेकिन सर ने कह दिया है टाइम के हिसाब से काम करो, इसलिए मैं आपको बुलाने चला आया। आइए मैडम। सर उस ऑफिसर से मिले क्या? सर वो आपसे फोन पर बात करेंगे ऐसा कहा है सर। मैडम ने भी बात की है। आपने भी बात की है? हेलो इंस्पेक्टर राघव। हाँ बोलिए सर। एक इंक्वायरी के बारे में आपसे बात करना है। हाँ जी। मंडपम से आई हुई फाइल की एक कॉपी मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ जैसे ही आपको मेल मिलेगा हाँ आप प्लीज मुझे सारी डिटेल्स भेज दीजिएगा। सर लड़के को ढूंढने के लिए आप मदद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। इट्स ओके सर। आई रिक्वायर योर हेल्प टू सॉल्व द इशू सर। श्योर सर, एनी टाइम। थैंक यू। एक फैमिली को आइडेंटिफाई किया है, आपके बेटे के बारे में पक्की डिटेल मिल जाएगी। ए, तुम इन्हें घर दिखाने लेकर जाओ। हाँ, ओके सर। हाँ, चलिए ओके सर। ओके आपने इंस्पेक्टर के पास मैडम अगर कोई भी काम सौंपा ना तो वो उस काम को पूरा करके ही मानते, यही उनका कैरेक्टर है। बच्चा जरूर मिलेगा मैडम, उसे हम ढूंढ लेंगे। ये हॉल है मैडम, फुल फर्निश्ड है, आपके लिए सारी चीजें अरेंज की हैं, आपको कुछ और खरीदने की जरूरत नहीं है मैडम। ये पूजा का घर है, सब भगवान इसमें है, आप इनके पैर पकड़िए आपका बच्चा मिल जाएगा। मैडम ओनर इतना अच्छा आदमी है कि उसने हॉल में भी एसी लगाया है। ओके मैडम, किचन बेडरूम सब देखते हैं, आइए आइए। ये बेडरूम है, ये बाथरूम है, देखिए मैडम 10 लाख लीज पर लिया है मैडम, कुछ भी बात हो तो सर से बात कर लीजिएगा। रेंट पर नहीं देंगे क्या? रेंट पर नहीं देगा मैडम, केवल लीज पर देगा। अगर चाहिए तो थोड़ा कम करके बात कर सकते हैं। ठीक है मैडम, चलिए मैडम चलते हैं। सर नंगातुर के इंस्पेक्टर हैं क्या? जी हाँ सर, मैं बड़ा पल्लनी का इंस्पेक्टर राघवचारी। अरे सर आपके बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, छोड़िए वो सब सर, मैं वहाँ एक श्रीलंकन फैमिली का एड्रेस एसएमएस करता हूँ। ओके सर। उनके डिटेल्स को गैदर करके इन्फॉर्म करेंगे क्या? कुछ सीरियस मैटर है क्या? मिसिंग चाइल्ड के बारे में पूछताछ करनी थी। ठीक है, मैं सारी डिटेल्स आपको भिजवाता हूँ। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। आपको घर पसंद आया क्या? अच्छा है सर। सर उन्हें घर बहुत पसंद आया सर। उनके पास से 10 लाख रुपए लेकर दिए तो लीज का एग्रीमेंट कर सकते हैं सर। पता नहीं वो यहाँ कितने दिन रहेंगी, उसके लिए 10 लाख रुपए। सर ओनर की 8 लाख रुपए उधार है, वो तो देने के लिए कहिए सर। हे, तुझे या पार्टी को? सर ऐसे करेंगे तो ही हम जी सकते हैं ना सर, फॉरेन करेंसी है ना सर, देने दो ना सर। अच्छी पार्टी है ना, खाली करने में पैसा देगी ना? दे देंगे सर। सर मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, तुम साथ में जाओ, मैं आता हूं। ओके सर। HSBC को पूरी डिटेल्स देंगे तभी मेरा पैसा ट्रांसफर हो सकता है। सर ने यहाँ इंडियन बैंक में डालने को कहा था ना? या ओके सर, या मैं चेक कर लेता हूँ सर। हाँ श्योर सर। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर। इंस्पेक्टर राघवाचारी ने हमें भेजा है सर। बैठिए। इनका अकाउंट खोलना है सर। इंस्पेक्टर साहब ने बोला है कि आपका एक NRI अकाउंट खोल दूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिटेल्स दे दीजिए, उसे चेक करने के बाद हम प्रोसीड कर लेंगे। ओके ठीक है मैडम। इन डिटेल्स को थोड़ा फिलअप कर दीजिए मैडम। इसे कैश काउंटर में देकर कैश कलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सर, चलता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैडम। गिनने की जरूरत नहीं है मैडम, पूरे ही होंगे। अच्छी बैंक है जी। थैंक यू। वेलकम मैडम। हाँ चलिए। क्या इतनी लेट हो गई? तुम 8 लाख में साइन ले रहे हो, मुझे तो बस 1.5 लाख रुपए चाहिए। शहरी पर बिना हाथ लगाए बोल। मेरा लड़का ऑटो मांग रहा है। अगर लड़के को ऑटो दिया ना तो समझो फुल पीकर ही ऑटो चलाएगा। अच्छा पैसा आने वाला है कहा तो भाव दिखा रही हो। मेरी वजह से ही तुम्हें इस एरिया का पता चला। हाँ इंस्पेक्टर के पास से ले रहे हैं, वापस देने के टाइम उसे लौटाना हमें ही है। चाहिए तो तुम्हें 50,000 रुपए देता हूँ। अच्छा मैंने जितना मांगा तुमने कभी नहीं दिया, सब फोकट में ही काम चलाते हैं। ठीक है, वहाँ इंस्पेक्टर इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते मैडम। अच्छी हो ना मैडम? एसी के पास से फोन आ रहे हैं। आप वहाँ नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला है सर। पेपर निकालिए। घर आपके नाम पर है ना? हाँ सर। जल्दी निकालिए ना सर। 2 पेपर हैं, एक मैडम के लिए एक इनके लिए। अच्छे से पढ़कर देखिए मैडम। ये आप लीजिए। सिर्फ लीज पर ही देंगे क्या, रेंट पर नहीं दे सकते? मैडम अभी चेन्नई में कोई भी भाड़े पर देने के लिए तैयार ही नहीं होता है, सब लीज पर ही देते हैं। कोई और ले ले, इससे पहले साइन कर दीजिए मैडम। आप इनके करने के बाद कीजिए, पहले इन्हें करने दीजिए। ओके मैडम। मैडम आप साइन कीजिए। मैडम एक कॉपी आप रख लीजिए। हाँ मैडम इसे संभाल कर रखिएगा। पूरा 8 लाख रुपए पता है मैडम, मैं भी तो आपके साथ बैंक में गया था। संभाल कर रख लीजिए मैडम, इन्हें ले जाइए और संभाल कर रख लेना। ठीक है, मेरा फोन बार बार आ रहा है। आई विल कम बैक इवनिंग। हाँ हाँ चलिए सर। ओके मैडम। हे, किसका घर ये? सर यही है सर। ये आपका ही है? हाँ सर। सुनो, मैं इन्हें पहले से जानती हूँ, तब ये टकले नहीं थे और इनके सर पे ऐसी चोटी नहीं थी। सर इस घर के ओनर ने लोन लेकर घर बनाया, लोन भर नहीं पाया तो इस गांव को छोड़कर चला गया और जाते वक्त चाबी इनके हाथों में देकर चला गया। उसके अंदर ही एक छोटा सा रोटेशन कर लेंगे सोचकर। ए, कोई परेशानी मोल मत लेना। सर उस मैडम को ये घर बहुत पसंद आया था सर। कोई परेशानी नहीं होगी सर, बिल्कुल भी नहीं सर। सर कल वो लेडी बैंक से पैसा लेकर आते वक्त मैनेजर खुद बाहर तक छोड़ने आया तो देख लीजिएगा। बाहर डिपॉजिट किया लगता है सर। सर और एक जरूरी बात है सर, वो मैडम आपके ऊपर बहुत भरोसा करती हैं सर। चुप रहो यार। सर आप जो भी उनके लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। ठीक है, 2 लाख रुपए लाकर पुलिस स्टेशन में दे जाना, मुझे बहुत खर्चा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई दूसरा हिस्सा मांगने नहीं आएगा ना, तुझे 50,000 ही मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ रामेश्वरम से श्रीलंकन फैमिली कोई आई है क्या? ऐसा पता चला है। वो कहाँ है आपको पता है क्या? ऐसी एक फैमिली तो थी सर, फिर वो लोग वापस श्रीलंका चले गए, जाकर बहुत दिन हो गए सर। ठीक है। सब अच्छे हैं ना? काफी दिन से आपको देखा नहीं था तो दिल नहीं लग रहा था मेरा। सब कुछ ठीक है ना? मुनु स्वामी के मैटर को देखने के लिए कहा था, देखा क्या? हाँ सर। चल जाकर देख, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके सर। सुनो, मेरा भागा हुआ तीसरा पति ही बहुत अच्छा था, तुम तो उससे ज्यादा परेशान कर रहे हो। पुलिस स्टेशन आने में इतना टाइम लगता है? मैडम 50,000 फोकट बातें क्या, मेहनत लगती है, समझी क्या? देखो वो चोटी अपने पास से 2 लाख रुपए निकलवाना चाहता है, लेकिन हम ही उससे निकलवा लेंगे। ओके सर। पैसा लेते समय देखा था और अब देख रहा हूँ सर, ये रहे पैसे सर। क्या बोल रही है? मैं कहने वाला था सर, अभी आपको 2 लाख रुपए दिए तो उसके बाद 6 लाख रुपए बचेंगे, और इन्होंने 8 लाख के पेपर पर साइन कर दिया है, इसलिए डर रही हैं। किसका डर? मैं एक आइडिया दूं क्या सर? सर उस घर को आपके नाम पर एग्रीमेंट में बदल दिया समझो। सपोज उस औरत ने घर खाली कर दिया तो भी आप उस घर को मेंटेन कर सकते हैं ना सर? पुराने एग्रीमेंट का क्या करोगे? उसे फाड़ कर फेंक देंगे सर। आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है सर। वो एग्रीमेंट दीजिए सर, उनसे साइन करा लेंगे। जल्दी निकालिए सर, ये रख लीजिए सर, एग्रीमेंट दीजिए, कुछ भी गड़बड़ होने से पहले साइन ले लेंगे। सर आप इस पर साइन कीजिए, आप भी एक साइन कीजिए। ये लीजिए साइन कीजिए। ओके सर। इनका साइन किया पेपर आप रख लीजिए सर, और आप ये रख लीजिए सर, इसे संभाल कर रखिएगा सर। आप जा सकती है, मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ सर। ठीक है। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। नहीं चाहिए, तुम पी लो। मैं पी लूं? ये आपके लिए है। बाद में मैं पी लूंगा। टैटू के बारे में ज्योतिष ने कुछ नहीं कहा क्या? ठीक है, लाइट ऑफ करके पलंग पे आ जाओ। नहीं नहीं, मैं यहीं पर सो जाता हूँ। ऐसा क्यों? पलंग पे सोओगे तो तपस्या भंग हो जाएगी। अब तुम्हें क्या चाहिए? सब चाहिए। इतने सालों से जो भी दे रहे थे ना, वो सब चाहिए मुझे। बच्ची बाहर सो रही है, थोड़ा धीरे बोलो ना। अभी पता चला कि वो बाहर सो रही है? इतने दिनों से वो बाहर सो रही थी, जानकर भी तुमने क्या किया? ए राजी, अंदर आओ बेटा। तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? क्या बात है माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, तुम जाकर सो जाओ, जाओ। तेरे पापा पलंग पे सोएंगे तो तपस्या भंग हो जाएगी। मैं दूसरी जाति की हूँ और ये दूसरी जाति के। मैंने कभी ऐसा कहा है क्या? क्यों उससे तुम झूठ बोल रही हो? फ्रॉड कहीं के। वहाँ दूध रखी है, पीते क्यों नहीं हो? घर में खाना नहीं खाते? क्या नाटक लगा रखा है? जो कुछ भी है सुबह बात कर लेंगे, अब तुम सो जाओ। क्या हुआ? क्या क्या तुमने ये सब? मेरे घर में खाना खाते हो, मेरे बाप के दिए घर में रहते हो तुम, और मुझे मार रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकते, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। निकल जाओ। मामा शांत हो जाओ ना। पापा जाइए ना यहाँ से, जाइए ना पापा। अपने बाप का घर बोल रही हो? उसके बाद भी मैं इस घर में आया ना तो कुत्ते की औलाद बोलना। खाना खाते हो, मेरे बाप के दिए घर में रहते हो और मुझे मार रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। फ्रॉड, निकल जाओ। चोटी लगाकर बहुत ही नाटक कर रहा था, फिर भी ओके। तिलक लगाने के बाद उससे भी ज्यादा नाटक करने लग गया है। एक पार्टी पकड़ ली है और एनआरआई पार्टी को भी पकड़ लिया है। ये सुधरेगा नहीं। हाँ। इससे अब ढूंढना ही मेरा काम बच गया है। गाड़ी में नहीं है, कहाँ चला गया? कहाँ गया? कहीं सुसाइड वुसाइड तो नहीं कर लिया? ऐसा तो नहीं करेगा और दूसरे को भी नहीं करने देगा। ₹2,00,000 अपने ही सर पर आने वाला है। सर आपको कहाँ का नहीं ढूंढा सर, सब आपको ही ढूंढ रहे हैं। फोन भी स्विच ऑफ करके रखे हैं सर। चांदनी मैडम भी आपको कब से ढूंढ रही हैं। उन्हें आप श्रीलंका कॉन्सुलेट ले जाने वाले थे ना, उनके लड़के के बारे में। आइए सर, लगता है चांदनी मैडम ही फोन कर रही है। हेलो सर, मैं चांदनी बोल रही हूँ सर। हाँ मैडम बोलिए। मैडम कहाँ है? सर गोविंद रामन मंदिर है ना, उसकी तालाब की सीढ़ियों पर ही सो रहे हैं। आप यहीं पर आ गई हैं क्या? रुकिए मैं आता हूँ, रुकिए। आइए मैडम, आइए आइए, देखिए कहाँ पर सो रहे हैं। यहाँ क्यों सो रहे हैं? आखिर ऐसी तो क्या बात हो गई? सर की वाइफ ऐसा ही है ना मैडम, उन्होंने घर से निकाल दिया इन्हें। पर क्यों? सर ब्राह्मण हैं और वो हैं दूसरी जाति की। ये जब तक हीरो जैसे दिखते थे तब तक वो चुप थी, और वो अचानक एक दिन चोटी के साथ आने की वजह से गुस्से में आकर इनकी चोटी ही काट डाली। आइए, मैं यही रुकती हूँ, आप उन्हें बुलाकर ओके मैडम। चांदनी मैडम आइए सर, आपको बुला रही हैं। छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानते हैं सर। अरे कितना काट दिया, जैसे लगता है घाव हो गया है। सर चप्पल पहन लीजिए सर। चलिए सर चलते हैं। सर आप मैडम को लेकर जाइए, मैं जीप को पुलिस स्टेशन में छोड़कर बाद में बाइक पर आता हूं सर। ओके सर। आइए ना। नहीं रहने दीजिए। अरे बाप रे, काफी ब्लड नजर आ रहा है। कोई बात आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। एक सेकंड एक सेकंड। रिलैक्स रिलैक्स। ओके थैंक यू। खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, आप थोड़ा वेट कीजिए। Are weaker sex, but we are not weak in sex. Yes, मैं आपको अपना फ्रेंड समझती हूँ। मैं अपने बच्चे को ढूंढने यहाँ आई हूँ। मुझे अपने बच्चे को देखने के अलावा और किसी चीज़ से खुशी नहीं मिल सकती। आराम से आ। कैसे चोर बे, पूरी कार ही गायब कर दी। वीडियो कैमरा टूट गया था तो मैंने कार भाड़े पे ली। अब ये कमीने चोर मेरी कार ही चुरा के लेके चलेगा। अब मैं अपनी उधारी कैसे चुकाऊंगा? मेरा मालिक देखेगा तो मुझे मार मार के भगा देगा। पुरानी उधारी चुकाने के लिए मैंने कार चलाना शुरू किया था। नमस्ते मैडम। क्या है? अलमारी में एक फाइल है, सर ने वही लाने को कहा है। वो कहाँ है? क्राइम टीम के साथ आंध्रा गए हैं। 3:30 बजे की ट्रेन से। यहीं रुको। इनके घर के मामले में हम लोग पिस रहे हैं। फ्रॉड। मुझे बिना बताए लीज पे घर लिया है उसने। आखिर किसके लिए घर लिया उसने? सुनो, उसे आकर ले जाने के लिए कहना। ठीक है मैडम। पहले ही मेरी माँ ने बोला था कि बकरी चरा ले, लेकिन मुझे ही शौक था ये सब करने का। राजी, टीवी बंद करो। कौन है आप? माँ, पापा के कपड़े। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप घर में घुसी जा रही। वो तो 420 है और तू उसे बुला रही है? हाँ? मुझे भी हाथ चला गया। राजी, टॉवल देना। तू पुलिस वाली को मारेगी? हाँ, इतनी हिम्मत है तुझमें, मैं भी देखती हूँ। पुलिस वाली को मारेगी? चल, अरे चल रे। छोड़िए मुझे, कहाँ लेकर जा रही है? अब गलत कर रही है, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। चल, हट्टा कट्टा आदमी मिल गया, तुझसे अपने जाल में फंसा लिया तूने। हाँ? मत दीजिए प्लीज, चला प्लीज, मुझे ऐसे ट्रीट मत कीजिए प्लीज, लीव मी, छोड़ दीजिए। तूने पुलिस वाली पे हाथ उठाया ना, दिखाती हूँ तुझे। तुम धंधा करती हो और ऊपर से पुलिस के ऊपर हाथ उठाया, ऐसा एफआईआर दर्ज किया गया है। तुम्हें 15 दिनों तक रिमांड में रखा जाता है। बेचारी को देख लो, इसे बहुत मारा है लगता है। देखो। हाँ, ए, क्या गलती की है तूने? पर देखो इसे, देखने में तो बेचारी लगती है ना, शक्ल तो देखो कैसी है उसकी। बड़े घर की बेटी लग रही है, पर यहाँ बुरी तरह फंस गई है ये। हाँ। ए सुमति, याडिनी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तू उसे लेकर जा डॉक्टर के पास, जल्दी कर। सुनो, उठो, डॉक्टर के पास जाना है, चलो उठो, बीमार हो ना तुम। जब इसे यहाँ लाया गया तो इसके शरीर पे बहुत सारा जख्म था। खाना टाइम पे नहीं खाती, कोऑपरेट नहीं करती हमारे साथ, कोई इससे मिलने भी नहीं आता। किसी ने ह्यूमन राइट्स वाले को कंप्लेन किया है। ग्लूकोज खत्म होने के बाद इसे अंदर ले जाना। याडिनी, कोर्ट जाना है, गाड़ी में आके बैठो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ला 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 ला। सर। बोलिए। मेरी पहचान वाली एक लड़की को अरेस्ट कर लिया है, बेल नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट में जाकर आपको ही बेल दिलवानी पड़ेगी। प्लीज हेल्प कीजिए ना सर। हो जाएगा, डोंट वरी। सर फीस ज्यादा नहीं दे पाएगी। कोई बात नहीं। थैंक यू सर। ओए ज्यादा एक्टिंग मत कर। सुबह उठकर 3 बजे तू कहाँ चला गया था बोल? कोयम्बड़ गया था सर। कोयम्बड़? क्यों? हाँ सर, ये देखिए आंध्रा से पार्टी आई है सर। ए दोना, क्या है इसमें? पुराने 500,000 के नोट हैं सर, बिल्कुल नए हैं। इसका बाप 3 साल से कोमा में था, गए हफ्ते में गुजर गया। उसके मरने के बाद पेटी खोला तो उसमें 5 लाख के ऐसे नोट थे। ये लोग उसे बदलवाना चाहते हैं सर, बदलवा दीजिए ना। ऐसा है, मेरा काम है लोगों को न्याय दिलवाना, समझा? देखिए भाई, आप इसकी बातों में मत आइए, ये नोट नहीं बदल सकते हैं, ये काम सिर्फ बैंक में होगा। जाइए। ए, दो, तुम्हारे भरोसे पर आया था। बैठो रामनाथन, आपका पैर ठीक नहीं है ना, आपको हमेशा बताना पड़ता है। अब आप खड़े मत होइएगा, बोलता हूँ तो समझा करो। मणियप्पा कोर्ट में हाजिर हो। Petition. पेटी केस वाला सेल्वा 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 सेल्वा, आप रास्ते के किनारे नारियल पानी बेच रहे थे क्या? हाँ मैडम। रास्ते पे नारियल पानी बेचने वाला, बीच रोड पे भीख मांगने वाला, इन सबको पेटी केस में लेकर आ जाते हो, लेकिन घर में घुस के चोरी करने वाला, रेप करने वाला, कत्ल करने वाला, इन सबको छोड़ देते हो। ठीक है ठीक है, 150 रुपया फाइन लेकर चले जाओ। ठीक है साहब। दूसरा राजेंद्रन 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 राजेंद्रन, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हो। हाँ जी। क्यों भाई, तुम्हारी जान के हिफाजत के लिए ही सरकार ने हेलमेट पहनना जरूरी है ये कानून बनाया। अगर नहीं पहनेगा तो कैसे चलेगा? हेलमेट लगाकर जाइए तो बाल खराब हो जाते हैं, इसलिए नहीं लगाया। बाल जरूरी है या जान जरूरी है? अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो। हाँ ठीक है, 250 रुपए फाइन भर के जाओ। ठीक है जी। रिमांड केस याड़नी 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 याड़नी। क्यों जी, तुम्हें अरेस्ट किया है, घर वालों को पता है क्या? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंक्वायरी की थी ना। हाँ। ये वही केस है सर। ओहो। ये लीजिए। आपने अपने केस के लिए कोई वकील रखा है क्या? रामनाथन। यस सर। इस केस को आप हैंडल कर सकते हो क्या? कर सकते हैं सर। ओके। क्यों भाई बोला एकदम? यस सर। तुम्हारे सीनियर हैं या 12 बजे का शो देखने चले गए हैं? सर। तो उन्हें आने को बोलो, आने को बोलो। ठीक है सर। देखिए आप फिक्र मत कीजिए। हाँ। आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर। एसपी साहब से बोलकर ट्रांसफर करवा दूंगा। ठीक है। सुनो। हाँ बोलिए सर। माँ का ख्याल रखना। हाँ, ठीक है? ओके सर। सर चलिए, आपको बुलाया है। अब क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया सर। आइए मिस्टर गोविंद, कोर्ट को आपको असिस्ट करना चाहिए गोविंद। ओके योर ऑनर। इस केस को उनके पास दे दीजिए। ये रहे केस के सारे पेपर। इस केस में कुछ तो गलत हो रहा है ऐसा लग रहा है, इसलिए ईमानदारी से लड़ने वाला गोविंद को दिया है। चलो अगला केस क्या है? आप कौन है? पुलिस कांस्टेबल। ये कहीं नहीं भागेगी, आप वहां पे खड़े रहिए। Why have you not applied for bail? इतनी बदबू आ रही है, ड्रिंक किया है। सॉरी, कल ज्यादा पी ली थी मैंने। You don't have any relative in Chennai? Hello, answer me. The court wants to help you. मेरा यहाँ आसपास कोई नहीं है। ओह, आप श्रीलंका से हैं? मैं श्रीलंका में पैदा हुई हूँ। ठीक है, चलिए आइए। सुनो। यस सर। इस लेडी के ऊपर कुछ झूठे केस लगे हुए हैं। हाँ, तुम सीधे महेंद्र के पास जाओ और एक बेल पिटीशन लेकर आ जाओ। ठीक है सर, मैं रेडी कर दूंगा। सर, महेंद्र सर, इस एफआईआर पे एक बेल पिटीशन डाल के सिक्योरिटी बॉन्ड पर फॉर्टन सर ने रेडी करने को बोला है। देखो उस केस को देख लो। हाँ, ऐसे कैसे केस लेके आ जाते हैं कोर्ट में। She doesn't have any relative in India, sir. ठीक है। संभल के साइन करना। कंडीशन बेल ग्रांटेड। थैंक यू मैम। मिस्टर गोविंद, योर ऑनर, आपका पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। यस योर ऑनर। वेलायदम, तुम भी थोड़ा ध्यान देना। ओके सर। नहीं तो तुम्हें उठा के अंदर डाल दूंगा। आइए। ये केस थोड़ा ज्यादा सीरियस है क्योंकि पुलिस ने ही इस केस में कंप्लेन की है। वैसे मैंने आपकी सिक्योरिटी ले ली है क्योंकि आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव नहीं है इसलिए। सर, वो डेली साइन करने को कहा है, लेकिन कितने दिन सर? 10 दिनों के लिए बोला है, पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या है? मैडम को पीछे बैठने दो, तू आगे बैठ। विलास, तुमने घर देख लिया है ना? मुझे कल पूरी डिटेल्स चाहिए ताकि मैं काम शुरू कर सकूं। ओके? यही मेरा घर है। आपके डॉक्यूमेंट्स आने तक इसी घर में आप एडजस्ट कर लीजिए। ये मेरा ऑफिस है, बगल में एक कमरा है, आप वहां पर आराम से रुक सकती हैं। ओके? आप प्लीज जाइए ना। विलास, मैडम का ख्याल रखना, ठीक है? देख क्या रहा है, अब लेके जाना। आइए मैडम, ये सर का घर है। ये दरवाजा बंद ही रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बोलिए ना। हाँ, मैंने केस पढ़ लिया है। नो प्रॉब्लम। इतना दाम बढ़ता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अरे ये केस तो काफी छोटा है सर, आप फिक्र मत कीजिए। अरे मेरे पहचान का एक एसआई है, मैं उससे काम करवा लूंगा, ठीक है ना? नो नो नो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ओके, डन सर, डन सर, बाय। समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके, आइए। बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। कैसे आना हुआ? एडवोकेट ज्योति सर ने भेजा है, हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल करनी है। किस लिए? अटेंडेंस नहीं है ऐसा बोल के एग्जाम में नहीं बैठा रहे हैं। क्यों? अटेंडेंस के टाइम तुम कहाँ थे? ऐसा कुछ नहीं है सर, तबीयत ठीक नहीं थी बस। मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया नहीं क्या? दिखाया है सर मैंने, पर वो मान नहीं रहे। ठीक है, आगे की सारी बातें मैं ज्योति से कर लूंगा। ओके? ठीक है सर, आप जा सकते हैं। ठीक है सर, नमस्ते सर। ओके। ए, बोतल लेकर आया क्या है रे? सर, इवनिंग में एक आदमी ने बोला था कि पार्टी दे रहा हूँ। इधर आ, इधर आ। वेरी गुड, जाकर तैयारी कर जा। ठीक है सर। आइए सर, ऊपर चले। सब रेडी हो गया सर, बस शुरू करना बाकी है। अच्छा, तो मुझे ना एक बात बता, तू गांव से आने के बाद अपने माँ बाप को देखा क्या? हाँ देखा है सर। पी ले। पी जा। दिखा दिखा दिखा। तू अपने माँ बाप को देखने गया तो हाँ। मेरे घर क्यों गया? हाँ? रुक 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 रुक। तू इधर आ। अपने माँ बाप को देखने गया तो मेरे घर क्यों गया तू? हाँ? बोल सर, क्यों गया तू? बहुत ज्यादा पी रहे हैं सर। मैं ज्यादा पी रहा हूँ? हाँ सर। क्या बोला तूने? थोड़ा सा पियो। हाँ, सर। मेरी माँ ने उस दिन गाली दी, तूने सुनी थी क्या? सुनी थी क्या? हाँ सुनी थी। तो यहाँ पर क्यों गया तुम? लास्ट वार्निंग, अगर मेरे घर गया तो निकाल दूंगा तुझे, समझ गया? ठीक है सर। चल पी, चल हटा। तेरी तो हटा। चल ये भी ले। पानी तो जल्दी करो, संभल। सर सर पानी, सर पानी, थोड़ा पानी पीजिए सर, पानी पीजिए आराम से। आज कुछ ज्यादा ही पी रही। बाप रे, इतना पीते ही क्यों है? कितनी शराब पीते हैं ये? जीना अगर जरूरी है, पीना बहुत जरूरी है। यस, दिल मेरा खाली चाहे एक दिल। अब पकड़िए, नहीं सीधा सुलाते हैं। दिल मेरा। माँ के बारे में सोचकर ये हमेशा ऐसे पीते हैं। कितना बोलता हूँ लेकिन सुनते ही नहीं। क्या करूँ मैं इनका। आप सो जाइए अब। मैडम, उन्हें दे दिया क्या? हाँ दे दिया मैडम। अभी भी वो रोड साइड के वॉशरूम में ही नहाते हैं क्या? नहीं मैडम, हमेशा घर में ही नहाते हैं। अभी आप यहाँ आ गई हैं ना, इसलिए वहाँ नहा रहे हैं। ए, 10:30 का कोड है यार, जल्दी लॉक कर। हाँ ठीक है सर। मैडम आप बैठिए। इवनिंग में कोई पार्टी मिल जाएगी तो हम देख सकते हैं। वो देखिए मैडम आ रही हैं। सुनिए, आप ऑटो में जा रही हैं क्या? हाँ मैं ऑटो पकड़ कर सीधा वहीं आ जाती हूँ। ठीक है। अरे बाप रे मैडम, मैडम आप ठीक तो हैं? मैडम आप ठीक है ना? मैडम आराम से, चोट तो नहीं है? आराम से, संभल कर। अरे आइए आइए, आराम से, आराम से, संभल कर। आइए मैडम, आइए। जल्दी लेकर आ। आइए मैडम आराम से। जल्दी आ। हेलो हेलो, हे कौन है बे तू? फोन पे क्या बकवास कर रहा है? हिम्मत है तू सामने आना। क्यों रे शाणे, लड़की अकेली है तो तू उठा कर ले आया है? हे अब और बकवास की ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। है कहाँ पे तू? सामने आकर बात करना। फोन पे क्या बात कर रहा है? कौन है तेरी तो? कौन है सर? चल निकल। क्या होगा? किसके साथ झगड़ा कर रहे थे? कोई फोन पे आपके बारे में गलत बोल रहा था, इसीलिए सर को टेंशन हो गई। ए विलास, यहाँ जल्दी। सर आ रहा हूं। दीदी अभी तक आप सोई नहीं क्या दीदी? यहाँ पे आके क्यों बैठी हैं? मन कुछ ठीक नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं। अपने बेटे की याद आ रही है मुझे। आप सर के पास आ गई हैं ना, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप बेफिक्र रहिए। आज दोपहर में फोन आया था ना, बहुत बात कर रहे थे वो लोग। सर ने कुछ ऐसा किया कि वो लोग शाम को फोन करके माफी मांग रहे थे। आप हिम्मत से रहिए। अरे मैं तो भूल ही गया, सर ने ये आपको देने के लिए बोला था। मुझे इसकी क्या जरूरत है? गलत मत सोचिएगा, ये उनकी माँ की चेन है। उन्होंने बोला कि आपको दे दें, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपका खाली गला देखा ना तो इसीलिए दे दिए। पहन लीजिए। दीदी सोच क्या रही है? अच्छी नहीं है क्या? जिंदगी में आए हो तो पी लो पी लो। ए, तुम दोनों क्या बैठ के बात कर रहे हो? सीरियस है क्या? ठीक है करो। ये लीजिए विलास, अगर उल्टी करें तो दे देना, ठीक है? ए, मैं रोज रोज उल्टी नहीं करता हूँ। डेली माँ को गाली भी तो देते रहते हैं। जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। सर, आई एम गोविंदम। प्लीज बैठिए ना, बैठिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? इनको आप जानते हैं? हाँ पहचानता हूँ, इन्हें इंस्पेक्टर साहब ने अकाउंट ओपन करवाने के लिए भेजा था। इनके साथ कौन आया था क्या आपको याद है? कांस्टेबल इन्हें लेकर के आया था। सर इफ यू डोंट माइंड, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मुझे मिल सकता है क्या? ओह श्योर, इसकी फुटेज निकलवा के आपको कॉल करता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम सर। चलो थैंक यू। थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। किससे मिलना है मैडम? मैनेजर से मिलना था। हाँ एक मिनट रुकिए। मेरा नाम चांदनी है। हाँ हाँ हेलो सर, यहाँ आपसे कोई मैडम मिलने के लिए आई हैं सर। अंदर भेज दो। ठीक है सर, जाइए मैडम। थैंक यू। हेलो सर। हेलो, यू रिमेम्बर मी? यस यस, यू आर मलेशियन, आई नो। मैंने आपके अकाउंट में 8 लाख ट्रांसफर किया, आई रिमेम्बर। थैंक यू सर। वेलकम। आइए, बैठिए बैठिए। सर, सर, सर। क्या बे? एक मिनट, क्लाइंट। क्या है? सर, पुलिस स्टेशन में बुला रहे हैं सर। तो जाओ ना। जाएंगे तो पकड़ कर रख लेंगे, ऐसा डर लग रहा है सर। रात को तूने दारू पीकर पुलिस को जब मारा तब नहीं सोचा इस बारे में? सर, जब मैं नशे में था तब यूनिफॉर्म में नहीं था सर, इसीलिए। तो दोबारा वो यूनिफॉर्म पहन के आएगा तब तू उसको मारेगा। चल जाए यहाँ से। सुन, 4 बजे मुझे इसे कोर्ट में फाइल करना है। हाँ। बहुत सारा काम है, अब जाए यहाँ से। ओके सर। इसको लेकर जा। चल चल। अरे आना। क्या करूं भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तुम्हारे सर दारू नहीं पीते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं पीते। तो शाम में पीते हैं, 6 बजे के बाद फुल लेकर। हाँ, तो फिर ओके। हाँ, इवनिंग को फुल के साथ आता हूँ। हाँ, देख कर दीजिएगा भाई। चलता हूँ मैं। उनको बुलाओ। दीदी, दीदी, सर बुला रहे हैं। प्लीज बैठिए ना। आइए दीदी। सुन, हाईकोर्ट वाली फाइल निकाल। इसमें एक साइन कर दीजिए। जाके देख, प्रिंटआउट की दुकान खुली है क्या? ठीक है सर। आप ऐसे ही साइन करके फंस जाती हैं। साइन करने से पहले आपने पूछा क्यों नहीं? वो किस लिए? आपके ऊपर लगाए गए केस पूरी तरह से गलत है। उसके अगेंस्ट में मैं एक पिटीशन दायर कर रहा हूं। वैसे आप रामेश्वरम में कहाँ रुकी थी? एसएस रेसिडेंसी। एसएस रेसिडेंसी, वहां का नंबर है? Yes, I got it. Hello. हाँ बोलिए। SS Residency? Yes. Last month यार्डनी नाम की एक लेडी आपके होटल में आई थी। उनकी डिटेल्स मुझे चाहिए। आप कौन बोल रहे हैं? आई एम एडवोकेट गोविंद। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे कस्टमर की डिटेल आपको चाहिए, किस लिए? देखिए, यार्डनी मेरे सामने ही बैठी है और उनका पासपोर्ट मिल नहीं रहा है। आपके होटल में एंट्री करते वक्त आपने उनका आईडी प्रूफ का जेरोक्स लिया होगा। वो जेरोक्स क्या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं प्लीज? ओके सर, करता हूं मैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, दुकान खुली है सर। पेन ड्राइव लो, प्रिंटआउट निकाल के लेकर आओ। ठीक है सर। आप जा सकती हैं। थैंक यू। सर, सेशन में सेट कर दिया हूं सर। कल दीदी का केस लिस्ट में पक्का आ जाएगा। टॉप लिस्ट में आना चाहिए। हेलो, इसको पकड़। काम हो जाएगा। इनकेस जज साहब अगर आपसे कुछ पूछें तो घबराइएगा मत। आइटम नंबर 112 कॉस पेटिशन, क्रिमिनल ओपीसी 6742/2018, गोविंद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। May I please, my lord? Yes. My petition to cost affair. You know any last petition case in my court? Mr. Govind, इस FIR में इतनी गलतियां क्यों देख रहा हूं? My lord, the petitioner has come from Malaysia. Wait. I will study the papers. वो ऐसा है, वो मदुरई की जो लैंड थी ऐसा एविडेंस कर रहे हैं, वो कहाँ है? माय लॉर्ड, वो पेज नंबर 10 में है, आफ्टर द टेक्स्ट। पीपी, आपके स्टेट में ये क्या हो रहा है? हाँ, आई सीरियसली वॉन्ट टू नो। किसी को भी जब चाहो कहीं भी किसी पर भी झूठा केस लगाकर अंदर डाल दो। हाँ, क्या हो रहा है ये सब? माय लॉर्ड, the petition is accused. I heard the from movement sub inspector and also involved the prostitution. 8 लाख रुपया इन्हें फंसाया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। मदुरई में लैंड हुई है। She is come from Malaysia. इसके ऊपर और क्या चाहिए? I will get instructions. ये कहानी आप मुझे मत समझाओ। Come on, take down. First department conduct to inquiry against the concerned the police officers and take the suitable action and report sent to me. मलेशिया से एक तमिल लड़की अपने बच्चे को ढूंढने यहाँ आई है और इन लोगों ने इसे फंसाया है, समझे पुलिस ऑफिसर? I want immediate action. Matter post to next week 2:15. Call the next item. अच्छी आर्ग्यूमेंट की, थैंक यू सो मच। मेरे आर्ग्यू करने से अगर आपका काम बनता है तो मैं हमेशा करूँगा। चलो अच्छा है कि ऑर्डर मिल गया। हेलो, क्या आप एडवोकेट गोविंद बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। मैं तंगादुराई बोल रहा हूँ, यार्डनी के पति का दोस्त। यार्डनी के लड़के को ढूंढने के लिए आप ज्यादा परेशान मत होइए। सुनिए, आपको बच्चे के बारे में कुछ पता है क्या? अभी आप कहाँ पर हैं? देखिए, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। मेरी बात आप उसे करवा सकते हैं क्या, प्लीज? आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी उनको बुलाता हूँ। अब क्या हुआ? कट कर रहा है। फिर से कट कर दिया, पता नहीं क्यों। हेलो, मैं तंगादुराई बोल रहा हूँ, यार्डनी से बात कराइए। 1 मिनट, आप बात कीजिए। हेलो भैया, मैं चांदनी बोल रही हूँ। आप कैसे हैं? पहचाना ना मुझे आपने? मेरा बेटा कहाँ है? बताइए ना, कहाँ है वो? मैं श्रीलंका आ गया हूँ, तुम्हारा बेटा भी यहीं पर है। प्लीज, मुझे अभी अपने बेटे से बात करनी है, उसे जरा फोन दीजिए। मैं अभी तुरंत बात नहीं करवा सकता हूँ। इज ही फाइन? हाँ हाँ, वो ठीक है। हमारे बच्चे का नाम क्या है? मैं अभी बहुत बिजी हूँ, फिर टाइम मिलेगा तो आपको फोन करूँगा, ठीक है? बाय। रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए, हमें उसकी खबर लग गई है। वैसे तंगादुराई को आप जानती हैं ना? फिर तो वो दोबारा आपको फोन करेगा। ए, जल्दी आ। कल जिससे बात की थी वो वीडियो कॉल पे है, ये लीजिए। भैया है क्या? बात कीजिए ना। भैया, मेरा बेटा कहाँ है? बोलिए ना भैया। डॉक्टर मीना को बुलाकर झूठ बोलने के लिए क्यों कहा आपने? देखो, अभी तुम्हारे बेटे के बारे में मैं कुछ खास नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बस तुम इतना जान लो कि वो अभी अच्छा है। जब भी तुम उसे देखोगी तुम्हें उसे देखकर खुशी ही महसूस होगी, मेरी गारंटी है। मेरे बच्चे का नाम क्या है? बाला सिंघम। मुझे उससे बात करनी है, प्लीज। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। माँ, आप अच्छी हैं ना? आवाज ही सुनाई दे रही है, वो दिख नहीं रहा है मुझे। माँ, आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। मैं तुम्हें क्यों देख नहीं पा रही हूँ? तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं कविता पढ़ रहा हूँ माँ। कविता पढ़ने से सब मेरी तारीफ करते हैं। बाला सिंघम, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तुम्हारे साथ रहना है मुझे, तुम्हारे बगैर मैं बहुत उदास उदास रहती हूँ बेटा। माँ, मैं भी आपके बिना बहुत उदास रहता हूँ माँ। अब आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। माँ मैं आपके लिए घर बना रहा हूँ, मैं आकर आपको ले जाऊंगा माँ, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। एक बार मुझे तुम्हें देखना है प्लीज, एक बार, सिर्फ एक बार। मैं ऐसा हूँ आप सबको बताना माँ। मैं तो आपको अच्छा आर्टिस्ट समझता था, लेकिन आपका बेटा तो आपसे भी बढ़कर है। बॉर्न टू प्रूफ। आई विल पोस्ट द मैटर फॉर मेडिएशन। पहले पैसा वापस करने को कहो, उसके बाद मैं कंप्लेंट विड्रॉ करने को कहता हूँ। एफआईआर को क्रॉस कर देंगे। क्यों मिस्टर गोविंद, आपको मंजूर है ना कंप्रोमाइज की बात करने के लिए? हेलो दीदी, वकील सर ने आपको सुजाता वकील के ऑफिस में जाने के लिए बोला है, आप रेडी रहिएगा। मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है दीदी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो मान जाएगी ना, देखते हैं। आइए मैडम, आइए मैडम, आइए। हेलो मैम, हाय, आई एम एडवोकेट सुजाता। ये अभी अभी आई है, आप बैठी ना प्लीज, आप बाहर इंतजार करिए। जी ठीक है जी। मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ पता नहीं था। आप ज्यादा टेंशन मत लो, हम सब साथ हैं। बिना सोचे समझे मैंने आपको बहुत परेशान किया, सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। मैंने कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। इतने सालों से मैं उसके साथ जी रही थी, यही बड़ी बात है। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे सस्पेंड कर दिया, इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन उसे हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। मैंने सुना है कि आप दोनों की ये लव मैरिज थी। वो ब्राह्मण है और मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे घर के बगल में उसका घर था, मैं उसके जाल में फंस गई। अब बस बहुत हो गया। इन 8 सालों में उसने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया। अपनी बेटी की वजह से मैं सब झेल रही थी। रामेश्वर में जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा वो बहुत अच्छे इंसान होंगे। अपनी झूठ मूठ की अच्छाई दिखाकर वो लड़कियों को फंसाता है। गोविंद मेरा क्लासमेट है, वो तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखेगा। अगर आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो मैं इनका सस्पेंशन रुकवा सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं एडवोकेट से कॉम्प्रोमाइज के लिए कह देती हूँ। इनसे मिलकर इनका डीडी, पासपोर्ट, फोटोज वगैरह सब लौटा दीजिए। आपका सारा सामान बाहर बैग में है, यू कैन गो एंड कलेक्ट देम। ये सारे डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा बाहर वेट करेंगी, मुझे इनसे कुछ पर्सनल बात करनी है। ओके बाय। हाँ सर, हाँ सर। सर मैडम को लेके मैं यहाँ आ गया हूँ, सुजाता मैडम के ऑफिस में है वो। हाँ सब लोग अंदर हैं, एसआई मैडम भी आई हुई हैं। उन्होंने अपना बैग मुझे रखने के लिए बोला है, मैंने उसे अपने पास रखा है। वो लोग तो अंदर बात कर रही हैं सर। हाँ सर। गोविंद ने मुझे बताया आप यहाँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए आई है ना। फॉर योर गुड हार्ट Soon you will find him. तुम गोविंद को श्रीलंका लेके जाओ। He is very helpful for you. He is not like any other person. Thank you. You are in safe hand. Thank you. विलास भैया, दीदी पीने के बाद ये हर रोज अपनी माँ के बारे में ही बातें करता रहता है। क्या इसका और इसकी माँ का कोई झगड़ा चल रहा था? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती हैं। उनके वकील बनने के बाद पूरे गांव में बहुत बड़ा जश्न मना था। आइए वकील साहब। आओ बेटा आओ, चलिए चलिए। ओ, आप लोग हैं। आइए नमस्ते नमस्ते आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो मिस्टर गोविंद, एडवोकेट बन गए हो। कैसा लगता है? ओ सॉरी, तुम तो एडवोकेट बन गए हो। क्या कह रहे हैं सर, लड़का तो आपके सामने खड़ा है और आप इतनी इज्जत दे रहे हैं इसे। इज्जत तुम्हारे बेटे को नहीं, इसने जो पढ़ाई की उसके लिए। इसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही। आप मुझे कोर्ट में जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ देख लेगा। क्या सोच रहा है बेटा, तू मेरी बात से सहमत नहीं है क्या? मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। वेरी गुड, तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करता हूँ। नहीं सर, मैं खुद जाकर इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तुम्हारा बेटा बहुत ही दिमाग वाला है, बचपन में इसने जो फैसला लिया वो बिना सोचे कर लिया। अच्छा, तुम मेरे साथ हाईकोर्ट का सब संभाल सकते हो ना? भाई साहब, वकील बनने की खुशी में छोटा सा कार्यक्रम रखा है, आप आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं चाहता हूँ कि आप पूरे परिवार के साथ आएं। पक्का मैं परिवार के साथ आऊंगा। मैं अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते। क्या हुआ तुझे? तुझे जल्दी काम खत्म करके घर जाना था ना? मेरा क्या है, खाना बनाना है, ऊपर मालिक को बुलाने गए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है, ठीक है ठीक है। दीदी नमस्ते। आइए। नमस्ते नमस्ते। आप अच्छे हैं ना? ठीक है। जरा मालिक को बुला दीजिए। हमारा गोविंद अब वकील बन गया है, एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, उसी का न्योता देने के लिए आया हूँ, कृपया बुला दीजिए उन्हें। और हाँ, साथ में आपको भी जरूर आना है। हाँ जी। गायत्री नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? एक कार्यक्रम का न्योता देने के लिए आया हूँ, आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है। वैसे तुमने सबको बोल तो दिया है ना? बोल दिया मैंने जी। बोल दिया है। माँ, ये क्या पुरानी साड़ी पहनी है? कब तक पुरानी साड़ी पहनोगी? आपको नई साड़ी पहननी चाहिए ना। कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छे से हो, मेरे लिए यही बहुत है। माँ, मैं पैसे कमाने के बाद आपके लिए सोने की चेन खरीदूंगा, उसे पहन के पूरे गांव में घूमिएगा आप। खुशी हुई बेटा। अरे बेटा, बहुत खुशी हुई। वकील को हमेशा समय पर पहुंचना चाहिए। चलो हम चलते हैं। चलिए पापा। आप सबको मेरा नमस्कार। यहाँ आए सारे बड़े लोगों को मेरा नमस्कार। अपना कीमती समय निकाल के यहाँ इसलिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे दोस्त गोविंद के वकील बनने की खुशी में ये फंक्शन है। अब से हमारे एरिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसे गोविंद निपटा देगा, इसलिए हम सबको बधाई देनी चाहिए। चलो जाओ। अरे सुनो भाई, थोड़ी और बातें करनी है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये हार मैं उन्हें पहनाता हूँ, उस पिता को पहनाता हूँ, ये इन्हें ही शोभा देगा। धन्यवाद। और इसके बाद वकील त्यागराजन जी आपके सामने कुछ कहेंगे। देखिए बच्चे को कैसे पालना है, ये देखिए। बैठने को बोलो तो बैठता नहीं है। कल ये हाई कोर्ट का जज भी बन जाएगा और जब ये कोर्ट में जज बनेगा तो मैं ही लड़ूंगा इससे। इसे हमेशा ऐसी कामयाबी मिले, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद आप सबका। तुम पाली को ठीक से नहीं कह सकती हो क्या? ये क्या, बिना सोचे समझे सबके सामने चिल्ला रही थी। ड्रेस ऐसा है, डांस वैसा है, मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी पता है? क्यों जी, ऐसे बुद्ध बनकर बैठे हो? देखो ये क्या बोले जा रही है। अब इस तरह चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एजुकेशन कंप्लीट किया होता तो समझ होती। सही कहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसीलिए तो अपने से 15 साल बड़े आदमी से शादी करके जिंदगी जी रही हूँ मैं। क्यों जी, तब से तो आप बोले जा रहे थे, इसके आते ही आपकी बोलती बंद हो गई क्या? घर की इज्जत नीलाम कर दी इसने। इससे पहले कि ये किसी के साथ भाग जाए, इसकी पढ़ाई रुकवा कर इसकी शादी करवा दो आप, नहीं तो हमारा मुंह काला करके किसी के साथ भाग जाएगी। छी। लड़की बड़ी हो गई है, उसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तुम ऐसे चिल्लाओगी? क्यों जी, आपने जो मुझसे कहा था मैंने वही कहा ना, और अब आप मुझे ही कहने से मना कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए ऐसा बोलना चाहिए क्या? ठीक है ठीक है, उसे समझा के खाने के लिए बुला कर ले आओ। क्या हुआ बेटी, तुम सब जा रही हो क्या? अरे क्या हुआ क्या हुआ? शेह, मेरा बेटा ऐसा करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे बेटे ने आखिर ये क्या कर दिया? उनके सामने मेरी इज्जत चली गई। सर बहुत अच्छा सर, मजा आ गया सर। क्यों, आपको फंक्शन कैसा लगा? माँ, तेरे पापा जूते चप्पल सीने वाले हैं, पर इनकी भी तो इज्जत है ना। आखिर बात क्या है? बेटा तेरे पापा का दिल टूट गया है, देख अपने पापा को। तूने ऐसा क्यों किया बेटा? माँ आप ये सब क्या बात कर रही हो? मैं क्या बोल रही हूँ? बिना सोचे समझे तू उस वकील की लड़की को उठा के नाच रहा था बेटा। अब इन्हें देख, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तूने हमारी इज्जत बर्बाद कर दी बेटा। माँ आप कुछ भी बोले जा रही हो। माँ मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, वो लोग खुद आकर मेरे साथ नाच रहे थे। माँ मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया है। माँ मैंने कहा था ना तुमसे, वकील बनने के बाद इसका रंग बदल गया है। अभी से ये हाल है इसके, पता नहीं कल क्या करेगा। कहीं हमें घर से ही ना निकाल दे और घर अपने नाम करवा ले। पिताजी, आपकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे इस घर में रहने का मन नहीं करता है। अब मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए आप, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देख लिया अपने बेटे के रंग तुमने। उस लड़की की शादी हो गई, तब से वो यहाँ आ गए और यहीं रह गए। मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे क्या? बोलिए ना दीदी, क्या है? रात को वो शराब पीकर जिस तरह से अपनी माँ के बारे में अजीब अजीब बातें करता है, मुझे लगता है हमें उनसे मिलाना ही होगा। सच है दीदी, लेकिन उनके गांव में उन्हें ले जाना बहुत मुश्किल है दीदी। माँ और बेटा जुदा होकर रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहती हूँ उनके गाँव जाकर हम उन्हें मिलाते हैं। हाँ जरूर दीदी, मैं आऊँगा। पीना शुरू कर दिया क्या? मुझे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए ना, क्या बात है? मेरे बेटे को ढूंढने के लिए आपको मेरे साथ श्रीलंका आना होगा। श्रीलंका? इस मामले में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, सुबह इस बारे में बात करेंगे, आप जाइए। और एक हेल्प करनी होगी आपको। और क्या है? आप अपनी माँ को देख कर आएंगे। किस लिए? मैं किस तरह अपने बेटे से मिलने के लिए इतनी बेचैन रहती हूँ, उसी तरह आपकी माँ भी तो आपको मिलना चाहती होगी ना? अरे यार, ठीक है, जो भी बात करना है हम सुबह बात करेंगे, आप जाइए। कहा ना सुबह बात करेंगे, आप जाइए। तुम गोविंद को श्रीलंका लेके जाओ। ही इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ही इज नॉट लाइक एनी अदर पर्सन। दीदी, कल सुबह ट्रैवल एजेंट के पास चले जाइएगा। माँ को मैं वहाँ सीधा लेके आ जाऊँगा। पासपोर्ट आने के बाद सर को आप सीधा श्रीलंका ले जा सकती हैं। ये आपके माँ और पापा को दे दीजिएगा। ये सब किस लिए? ये चेन आपकी माँ से कहेगा कि वो पहने। देखिए, इस पे आपका ही हक है। इसीलिए इसे आप अपने पास ही रखिए। मैं चलता हूं। ए, धक्का मारने का टाइम आ गया, चल नीचे उतर। क्या हो गया? स्टार्ट नहीं हो रही यार। नहीं बैठिए, मैं धक्का मारती हूँ, बैठिए आप। अरे विलास भैया, आप बाहर आइए। तो आ रहा हूँ दीदी। हाँ, चलिए धक्का मारिए। हाँ, स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। देख लिया आपने, ये गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। मेरा गांव जाना इस गाड़ी को भी पसंद नहीं है, मैं कैंसिल करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप अपने मम्मी पापा को देखकर आइए, जाइए। पर कार स्टार्ट नहीं हो रही है। सर आइए, हम गाड़ी में जाएंगे। हाँ ओके। हे, कैसा है यार? क्यों बे, कहाँ जा रहा है? माँ से मिलने जा रहा हूँ यार। हे, आज मेरा बर्थडे है यार। ओहो, हैप्पी बर्थडे यार। चल थोड़ा गला ठंडा कर ले। नहीं यार, माँ से मिलने जा रहा हूँ, बाद में मिलूंगा। हे, चलना यार। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, तुझसे बोल रहा हूँ, क्या अपना मुंह बंद कर। चलना यार। अरे सर देखिए ना, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है यार। सर देखिए, अभी रहने दे। चलना यार। अरे सुनना। हाँ। यार रहने दे यार, बात तो मान। एक लिटिल संभाल लेना। चल ठीक है, चलो। हाँ, क्या चलिए, तू भी आजा। दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे। सर, वाइन शॉप में आया था तो आपके पापा ने फोन किया था। अरे भाई 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 Excuse me? Yes. एक फोन कॉल कर सकती हूँ प्लीज? हाँ करिए। हाँ थैंक यू। हेलो। हेलो। बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? मैं एम्बुलेंस का अटेंडर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? एम्बुलेंस? आप कौन बोल रहे हैं? गोविंद कहाँ है? नहीं जी, जिसका ये मोबाइल है उस आदमी का बाइक से एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? एक्सीडेंट? हाँ मैडम। कहाँ? महापल्ली के बाजू में एक्सीडेंट हुआ है। ड्रंक एंड ड्राइव। ड्रंक? इम्पॉसिबल। कैसे? रुकिए रुकिए, थोड़ा वेट कीजिए। अभी हम लोग बाजू के हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आप एक काम कीजिए मैडम, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी मेरे मोबाइल की बैटरी लो होती जा रही है। आप रखिए मैडम, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरे पास सेल फोन नहीं है। प्लीज आप इस लैंडलाइन पर कॉल करके मुझे बता देंगे? ठीक है मैडम, नंबर बताइए। 24891999। ओके मैडम। प्लीज 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 डू इट फॉर मी प्लीज प्लीज। थैंक यू। ओके मैडम। कानपुर पुलिस चौकी। हेलो, कंट्रोल रूम। हाँ बोलिए मैडम। वो आज अभी जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए थी मुझे। प्लीज आप दे सकते हैं? ठीक है मैडम, मैं आपको देख के बताता हूँ। प्लीज। जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो कौन है? वो एक एडवोकेट है। मैं उनकी ऑफिस से ही बात कर रही हूँ। ओके, एडवोकेट गोविंद और उनके क्लर्क का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में पूछ रही है। आज इवनिंग की न्यूज़पेपर में भी आया है। आप सिटी हॉस्पिटल में जाकर पूछिए। ओके। आप मुझे हॉस्पिटल का फोन नंबर दे सकते हैं प्लीज? ओके। 2285-6637-6637। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये शहर का सिटी हॉस्पिटल है ना? हाँ बोलिए मैडम। सर आज सुबह जो एक्सीडेंट हुआ था मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए थी। पेशेंट का नाम क्या है? मिस्टर गोविंद और विलास। विलास की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी है। मॉर्निंग में आप उसकी बॉडी ले जा सकती हैं। एंड व्हाट अबाउट मिस्टर गोविंद? उनको हेड इंजरी हुई है, आईसीयू में उन्हें रखा गया है। उनका इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं। प्लीज ट्रांसफर मी टू इमरजेंसी। ट्रांसफर कर दो, आप वेट करिए। Hello? Yes, Dr. Mohan is speaking. Doctor, yes. Mr. गोविंद वहाँ इमरजेंसी वार्ड में है ना, सो उनके बारे में कुछ डिटेल्स बता सकते हैं क्या? मतलब हाउ इज ही? इन क्रिटिकल कंडीशन, गहरी इंजरी हुई है. यू आर ट्राइंग आवर बेस्ट. अभी हम कुछ कह नहीं सकते. वैसे आप कौन बोल रही हैं? डॉक्टर, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? कैन यू जस्ट नोट डाउन माय नंबर? आई डोंट हैव अ मोबाइल नंबर. क्या आप मुझे प्लीज इस नंबर पे ही डिटेल्स दे देंगे उसके बारे में? ओके, टेल मी. It's 2489 1999 1999. Okay. Thank you, doctor. Thank you. हेलो. हेलो मैडम, आप एडवोकेट गोविंद के बारे में पूछ रही थी ना? उन्हें हम बचा नहीं पाए, वो गुजर गए. उनके सगे वाले उनकी बॉडी लेकर जा रहे हैं. कैन यू कॉन्टेक्ट विद देखिए, इस पे आपका ही हक है, इसीलिए इसे आप अपने पास ही रखिए. मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ. मैं आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा माँ.